नमस्ते फ्रेंड्स, अगेन गुड मॉर्निंग। मैं एक्यूपंक्चरिस्ट टेंजिन पाल्जो मारोगे एक्यूपंक्चर क्लिनिक स्वास्थ्य गैंगटॉक से। आज हमारे साथ है कविता छेत्री, जो कि गेजिंग से हैं एंड 26 साल की है ये, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो जब ये यहाँ पर आई थी, इन्हें पैरों में नमनेस और कई तरह के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे, और इनका एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट मेरे द्वारा यहाँ पर इस क्लिनिक में हुआ। तो आज इनका लास्ट ट्रीटमेंट है, और आफ्टर लास्ट ट्रीटमेंट, कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद, मिस कविता छेत्री कैसा फील कर रही हैं एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट को लेने के बाद, इस ट्रीटमेंट से इनको क्या लाभ हुआ है, आज हम इनसे जानते हैं। हेलो कविता, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कसो डॉक्टर। छ? हजुर, ठिकै छु। म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई पुरा बेसी मेरो हात खुट्टा निदाउँथ्यो, नम्बनेस हुन्थ्यो, पुरा विकनेस, खुट्टामा पुरा बेसी विकनेस हुन्थ्यो, ल्यालक्लुक हुन्थ्यो। अन्त म यहाँ आएर चाहिँ जब मैले ट्रिटमेन्ट गर्नु थालेँ, अहिले चाहिँ म टोटली मेरो हात खुट्टा एकदमै राम्रो भएको छ अहिले चाहिँ। अन्त हातहरू पुरा बाउरिन्थ्यो, निदाउँथ्यो, अन्त आम टु डुइङ फाइन। अहिले चाहिँ 15 डेज मेरो ट्रिटमेन्ट भयो, अन्त अब मलाई चाहिँ एकदमै मेरो त्यो नम्बनेसहरू टोटली ठिकै भएको छ, जाति भएको छु। अन्त अन्त स्लिपिङ प्याटर्नहरू पनि राम्रो भयो। हजुर, मलाई फिजियो डक्टरले एक्सर्साइजहरू पनि सिकाइदिनु भएको छ, म त्यो पनि गरिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि पनि पहिला चाहिँ मलाई पुरै बेसी प्रब्लम हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ म एकदमै टोटली हिँड्दा उड्दा पनि बेसी खुट्टा गल्दैन। अन्त थुप्रो कुरा मेरो निकै राम्रो भएको छ, सबै कुराहरू। अन्त आर यु सेटिस्फाइड विथ दिस एक्युपंक्चर यस, ट्रिटमेंट? म चाहिँ एकदमै सेटिस्फाइड छु। अन्त डक्टरलाई थ्याङ्क यू पनि भन्छु, बिकज त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म आइज टोटली पुरा बेसी मेरो खुट्टाको प्रब्लम भएर बेसी केही गर्नु सक्दिनँ थिएँ। अन्त यहाँ आएर सबै कुरा राम्रो भएको छ। अन्त आज मेरो लास्ट डे हो, अन्त आज म यहाँबाट फर्किँदैछु। म गेजिङबाट आएको थिएँ यहाँनिर गर्नु, अन्त हुन्छ, अहिले म जाती भएर चाहिँ फर्किँदैछु। ओके, थ्याङ्क यू मिस कविता। ओके, थ्याङ्क यू। तो फ्रेंड्स, ये थी मिस कविता छेत्री गेजिंग से। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। थैंक यू।